उस वक्त हर कोई यह नजारा देख आश्चर्यचकित रह गया जब टॉस के दौरान हार्दिक पांड्या और सैम करन कॉइन उछालने के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन सारा पंजाबी क्राउड एक लय में रोहित शर्मा के नारे लगा रहा था। शोर इतना तेज था कि माइक में भी आवाज सुनाई न दे, लेकिन यह तो अभी शुरुआत भर थी। आगे जो घटित होने वाला था हार्दिक पांड्या ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियन के हर टॉस में अब सावधानी बरती जा रही है। आज जब रोहित नाम के नारों के बीच हार्दिक पांड्या टॉस के लिए पहुंचे, तब कैमरामैन ने पहली बार कॉइन को इतने करीब से दिखाया। यह भी हार्दिक पांड्या के लिए एक शर्मिंदगी का जेस्चर रहा। इधर रोहित शर्मा भी अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, पर अब तो लगता है कि हार्दिक पांड्या को गालियों की आदत सी लग चुकी है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद इसलिए उन्हें छपरी की उपाधि दी जाती है।